नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ट्रांसफ़र को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई भी ट्रांसफ़र वाला मेरे पास जाता है तो भैया गाइडलाइन बनेगी थर्ड ग्रेड की। गाइडलाइन बनने के बाद में जो गाइडलाइन में आएगा वो कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी व्यक्ति हो, जब ट्रांसफर करूंगा तो सबको लाऊंगा लक्ष्मणगढ़ में, ये मैंने कहा। लेकिन आज 5000 आवेदन केवल लक्ष्मणगढ़ के इकट्ठे हो गए, 5000 व्यक्ति कहां से आएंगे आप बताइए, खुद सोच लीजिए इस बार। सेकंड ग्रेड व्याख्याता, फर्स्ट ग्रेड प्रिंसिपल, बाबू, एक भी व्यक्ति अगर लक्ष्मणगढ़ का रह गया हो, मेरे पास एप्लीकेशन देके गया हो, रह गया हो, तो मुझे नाम बता देना, उसका 24 घंटे में ऑर्डर लाके गोविंद सिंह डोटासरा देगा। लेकिन ये थर्ड ग्रेड ऐसा है कि सारे के सारे अपने बच्चे बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बच्चियां, विधवाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, कैंसर पीड़ित हैं, फौजियों की पत्नियां भी हैं, पति पत्नी प्रकरण भी है, व्यक्ति भी परेशान है, किसी का मां बीमार है, किसी के पिताजी है, कोई अकेला बेटा है, बहुत परेशानी में है। मुख्यमंत्री जी ने कहा इसकी एक एक्सरसाइज कीजिए, एक गाइडलाइन बनाइए, और गाइडलाइन बनाने के बाद में हम लोग इन लोगों को कैसे थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर करके रिलीफ दे सकें, इस बात का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आप तसल्ली रखिए और इन माताओं बहनों को एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं, ए बूढ़िया थोड़ा गल है गे, माने लियाओ, आप चिंता मत करो, उसी धुन में लगा हुआ हूं। 18 घंटे से लेके 20 घंटे तक काम करता हूं कि आपकी बहू या बेटी कैसे लक्ष्मणगढ़ में और सीकर जिले में आए, इसका पूरा प्रयास मेरी तरफ से कर रहा हूं। जब भी मौका मिलेगा इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन ठावस करना पड़ेगा। से जल्दी में ही 2 साल लागिया को नहीं यार, रे लिचमगढ़ लिया दे, सीकर लिया दे। मैं कई कई बार तो आपको भाई नौकरी ज्वाइन कराई भी दिन क्यों कौन सोची, बोली भाई बा बूढ़ी माननी को नहीं बा, बोली नौकरी तो सासू कराई तो अब करने नहीं लिया, वो भी परेशान हुए भाई, मारे भी दिक्कत हुए। तो मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि 31,000 थर्ड ग्रेड के टीचर दोबारा हम लोग भर्ती करने जा रहे हैं। 30,000 के लगभग दूसरी कैटेगरी के हम लोग विज्ञप्ति निकालने जा रहे हैं, जिसमें व्याख्याता भी होंगे, कंप्यूटर शिक्षक भी, अनुदेशक भी होंगे, उसका भी काम हम लोग कर रहे हैं। जो वेटिंग थी, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो अटके पड़े थे, शिक्षा विभाग ने जिसमें अपील कर रखी थी आगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डीबी में, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डोटासरा जी आप इनको सबको निपटाइए, इन बेरोजगार शिक्षितों को जो सिलेक्शन हो चुके हैं, जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट निकाल करके इनको नौकरी दीजिए। और मुख्यमंत्री जी के आदेश मिलने के बाद में हमने प्रयास किया और आप देख रहे हो, चाहे 2018 हो, चाहे 2016 हो, उन सब की वेटिंग को कोर्ट से वापस लेकर के सरकार ने फैसला किया, शिक्षा विभाग ने, और उन बच्चों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। और भाई चांदना जी ने आउट ऑफ टर्न DYSP तक के बनाने का जो काम किया है, ये सब आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आपने बनाई।